हेलो एंड वेलकम टू फिल्म वाला। दोस्तों आई जस्ट फिनिश्ड वाचिंग द वीकेंड अवे। ये एक हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है एंड आई विल से इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी। जो थ्रिल मैंने इस मूवी में देखा है वो ढूंढने से ही मिलता है। एक लड़की बेथ जो वीकेंड स्पेंड करने अपनी फ्रेंड केट के पास क्रोशिया आती है, एक सुबह जब बेथ उठती है तो वो केट को गायब पाती है। वो पुलिस के पास जाती है पर उसे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती और एक दिन किसी को एक लाश पानी में तैरती हुई मिलती है और वो लाश केट की होती है। पुलिस और बेथ को लगता है ये मर्डर है। पुलिस तो ज्यादा मदद नहीं कर पाती लेकिन बेथ खुद कुछ ऐसे सुराग ढूंढती है जिससे मर्डरर का पता चलता है। दोस्तों सस्पेंस थ्रिल मूवी का बहुत ही तगड़ा है क्योंकि इसमें हर करेक्टर ही आपको खूनी लगेगा। मुझे लगा कि ये मर्डरर होगा लेकिन नहीं। जो मूवी का क्लाइमैक्स है दोस्तों उसे देख के आप चौंक जाओगे और मेरे ख्याल में यार एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की यही सक्सेस होती है कि ऑडियंस क्लाइमैक्स में सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमने तो यार ऐसा सोचा था लेकिन ये तो ऐसे निकला। दैट्स व्हाट आई सॉ इन द वीकेंड अवे। आई डोंट नो दीज एक्टर्स बट इन लोगों ने यार ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। हर एक्टर नेचुरल है। बिलीव मी गाइस मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। उसकी वजह है इसमें काम करने वाले ग्रेट एक्टर्स, चाहे वो बेथ का करेक्टर हो, केट का हो, रॉब का हो या जेन का। हर करेक्टर ने मूवी के थ्रिल में यार और भी ज्यादा जान डाली है। मुझे एक और चीज मूवी की बहुत अच्छी लगी है वो है मूवी की लोकेशन। क्रोशिया में ये मूवी शूट हुई है और बहुत ही प्यारी जगह है एंड टोटल ओवरऑल मूवी एकदम सस्पेंस थ्रिल वाली है। 1.5 घंटे की ये मूवी आपको बांध के जरूर रखेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप में से किसी खुश नसीब ने द वीकेंड अवे देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और बाकी इस किस्म के और अपडेट्स के लिए स्टे विद फिल्म वाला।